पर हो क्या रहा है ये? अंकल के घर पर अंकल नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? ये तो तमिल लोग हैं ना। तो हम लोग भी तमिल ही हैं ना। अरे किसने बोला मैं तमिल वाला हूँ? मैं तो तेलुगु हूँ ना। तूने ही तो कहा था कि रजनीकांत का फैन है। रजनीकांत के फैंस जापान वाले भी हैं, तो क्या मैं जापान वाला हो गया? आंध्रा का है पूछा तो मना किया था ना। हाँ तो अभी हैदराबाद तेलंगाना में है ना। जोक मत कर, तूने हमारे साइड से फाइट की थी। मुझे फाइट करना इंटरेस्टिंग लगता है, मैं किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ। अबे पागल है क्या तू? तेरी शक्ल देख के तूने नहीं समझा कि मैं तमिलियन हूँ? अबे शक्ल पे लिखा होता है क्या? अबे तू अबे मरवाने वाला है, अब क्या करे क्या करे? हमारी साइड का है सोच कर तुझे लड़की पटाने में मदद कर रहा हूँ मैं। अगर ये बात उनको पता चल गई तो काट के फेंक देंगे हमें, अब क्या करे? मैंने एम कार्तिका को बोला, तुम एल कार्तिका हो, बैठ जाओ। केशवम कार की बेटी, वो तेलुगु वालों में सबसे बड़े हैं। उसकी बेटी का नाम भी कार्तिका है। फंस गया यार। एस्केप। कुछ कर पा भाई, वो आ गया। पिताजी के जन्मदिन पे वो बकरे की नहीं इंसान की बलि मांग रहे हैं, इसका तो सर काट दूंगा। काट डालो। बेटा कैसे हो, कहाँ हो? लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा घर की याद आ रही है। उसे घर की याद आ रही है, बहुत बदल गया है अब तो वो। सारे बच्चों और औरतों को अंदर लेके जाओ। रुको बेटा, हमारा दुश्मन होने के बावजूद ये यहाँ पर क्यों आया है ये जानना बहुत जरूरी है। आया नहीं अंकल, उसे यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। मैं तमिल हूँ अंकल, तमिल हूँ मैं तमिल हूँ भाई। बेटा तेरे से ज्यादा होशियार हूँ मैं, तू मुझे फंसाना चाहता था ना, तुझे मैंने फंसा दिया। आई एम से भैया तमिल है तो क्या हुआ, इसने हमारे घर में कदम रखते ही मुझे ताने दिए थे। आग में घी डालने आ गए। इतना क्या खा रही है, वजन कम कर अपना, नहीं तो फट जाएगी। पुत्री तो ये नहीं वो नहीं, दोनों को खत्म कर दो। ऊपर आया तो करंट लगेगा। हाँ पानी में डालूं क्या? अबे गधों, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को, पीछे हट जा वरना झटका लगेगा। अरे बाप रे, इमोशनल में इनको ये भी नहीं पता चला कि करंट चला गया है। अब क्या करूं? तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो, हम लोग चले जाएंगे। फेंक दो रे हथियार, जल्दी फेंको। दादा की है। दादा तो नहीं है ना? क्या सोच रहा है, उनकी जान जान है और हमारी जान जान नहीं। डाल दे डाल दे। अबे जरा ठहर जाओ। ए, क्या बात कर रहा है, तेरे पास हिम्मत नहीं है तो मुझे दे, मैं डालता हूँ, सबको हिला दूंगा। बाइक की चाबी दे। ये ले।
तो गाड़ी स्टार्ट कर। ये अब कहाँ डालना है, डालते रहे, मैं तो चला। अब बोलो बॉयज, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। डालू मैं, डाल दू, इधर डालू, इधर डालू। जैसे ही टीवी चालू किया बिजली चली गई। अबे तो फिर से आ गया। अरे भाग, मैं मर जाऊंगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं अपने दादा की इच्छा कैसे पूरी करूंगा, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। अबे तेरी वजह से मुझे जिसको इंप्रेस करना था उसी से पंगा ले लिया मैंने। अरे कार्तिका बोले तो कौन से कार्तिका पूछना चाहिए था, पैसे लेते समय पैसे में इंटरेस्ट काम में नहीं है, गधा कहीं का। अरे भाई तुम तेलुगु वाले हो ना, इसलिए मैंने तेलुगु वाला समझ के उस तेलुगु वाले की सारी डिटेल्स आपको दे दी थी भाई। तुझे पहले से पता था कि ये तेलुगु वाला है? हाँ पता है। कैसे? जब मैंने कौन सा गाँव पूछा तो हैदराबाद बोला था। ये छोड़कर मैंने सब कुछ पूछ डाला और मेरा वो दोस्त गोपाल बोलता रहा ये तेलुगु वाला है, तेलुगु वाला है। मैंने नहीं सुनी उसकी बात, पागल हो गया था मैं, आंखें बंद करके वेज को नॉन वेज समझ के खा गया। अरे जो हो गया सो हो गया, सब छोड़ना यार उस बारे में क्या सोचा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, आजादी 15 अगस्त को मिली थी तो क्या हम हर 15 अगस्त को उसको याद नहीं करते हैं क्या? अबे और तुझे अबे तेरा क्या गया, तू क्या मारेगा? बीच में बलि का बकरा तो मैं बन गया ना, गांव में गया तो वो मार डालेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स मार डालेंगे और उधर पता चला तो तेलुगु वाले मार डालेंगे। तूने फंसा दिया मुझे यार, क्या करूं। माफ करना मैंने तेरी बात नहीं मानी, ये हमारा ही बंदा है। तुम लोगों ने कैसे पता लगाया? वो क्या है ना कि वीकेंड में भी दारू पी रहा है ना, इसीलिए। यहाँ क्यों आए हो तुम? ए तू इधर। मैंने देखा ये तेलुगु वाले से बात कर रहा था, कोपचे में लेके इसको अच्छे से धो डाला मैंने। बात करा तो धो डाला, रूम में रखेगा तो? नहीं पता होगा तो रहेंगे, पता होगा तो क्यों रखेंगे? अरे कैसे भी छुपा के रखोगे ना, हम उसे सूंघ लेंगे। अरे ये तो ठीक है कि मैं था, अगर गुरु भाई होता ना तो उसे गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाता, समझे? थोड़ा शांत हो जा। क्या शांत? मेरे सामने बात करेगा तो चलेगा, मगर तेरे सामने बात किया तो चलेगा क्या? गुरु, गुरु, मुझे माफ कर दो गुरु, मैं कभी तेलुगु वालों से बात नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे गुरु नीचे देख, इसकी सुसु निकल गई है, तू इसकी चिंता मत कर, हम इसे देख लेंगे। चल सुसु कर दिया, चल। बेचारा सुसु उसने नहीं, तूने किया है। वो मेरे गांव आया। सर वीरा मुत्थू जी का घर यही है। अच्छा पापा, आफ्टर ड्राइवर, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ वो गाड़ी रोकेगा, उसके बोलने से हम नहीं उतरेंगे, शो सम एटीट्यूड। अरे बेटा जाने दे रहा, अभी देरी हो रही है। मम्मी बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, पकड़ पकड़ खेलना पड़ेगा, बाद में खेल लेंगे। जब मैंने कहा कि अभी मतलब कि अभी। कार को चलाते रहो, जब बेटा बोलेगा तभी रोकना। आई लव यू डैडी। गाड़ी यहीं पर रोको। पापा ये वीरा मुत्थू का घर है ना? एक बार देखा था बेटा, क्या याददाश्त है तेरी, ये सब आपकी देन है मम्मी। काफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साहब। मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनेस है। खेती करते हैं क्या? अब ये क्या खेती की बातें लगा रखी है, लड़की को दिखाई है ना जल्दी। पान की खुशबू लो, बच्चे को छोड़ लड़की आई है देख। ये लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है। कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने, आपकी नहीं मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। इनके साथ 2 मिनट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूँ, विदाउट योर परमिशन। आजकल तो ये सब कॉमन बात है ना, हम सब लोग इन्हें छोड़कर बाहर चलते हैं ना।
चलाओ। पूरे गांव में पोस्टर का क्या लफड़ा है? क्या आपने किसी से लव किया है? आप मुझसे कह सकती हैं? यू कैन ट्रस्ट मी, एक दोस्त समझकर बोल दीजिए प्लीज। हाँ, मैं एक लड़के से डीपली प्यार करती हूँ, तुमसे शादी तो कर लूंगी पर दिल में वही रहेगा। अब क्या बोलूं मैं, नॉट जस्ट लव, जस्ट ट्रू लव। हैट्स ऑफ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ प्लीज? ओके। डायल कीजिए ना। हेलो। हेलो कौन? हेलो ब्रो, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोहराएंगे प्लीज? तुमसे शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा। कार्तिका, थैंक यू सो मच ब्रो। मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर से चांस मिल गया। रिवेंज मतलब? मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था, ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंडप से उठाकर ले गया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मेरी लवर ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और के लवर से ही शादी करूंगा। अबे तू पागल हो गया क्या? किसी और का रिवेंज मुझ पर क्यों? देख, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ये मामला भी ऐसा ही है। ए क्रो ब्रदर, एक हफ्ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले। प्यार में धोखा मिलने में जो फीलिंग मुझे हो रही है वही फीलिंग तुझे भी होनी चाहिए। तेरे कैरेक्टर को जानने के लिए तेरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी कैपेसिटी जानने के लिए तेरे दुश्मन का। ये एक तमिल फिल्म का डायलॉग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूँ पूरे दिल से। आज से तू मेरा जानी दुश्मन है। ए पापा, वो लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है। एंगेजमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट शादी। एंगेजमेंट के बिना शादी कैसे होगी? भाई साहब, डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। I love you, daddy. कमीने ने हमारे साथ ये नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं, रीजनल फीलिंग्स उनके खून में हैं, इसलिए तमिल वाले समझकर तेलुगु वाले नफरत करने लगे और जैसे उनको पता चला कि मैं तेलुगु वाला हूँ तो तमिल वाले नफरत करते हैं। गांव में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है सर, यहीं पर एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। व्हाट? कमीने ने हमारे साथ धोखा किया, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। चलो तेलुगु वाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने ही बाहुबली बनाई थी ना। अच्छा, तो इसीलिए कटप्पा की तरह पीठ पीछे वार किया तूने? हाँ, कौन सी पीठ की बात कर रहे हो भाई? क्या आपस में लड़ाई कर रहे हो? तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं। चलो रे। तुझे जगाने के लिए किया। क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है तू भाई? सुख नहीं है, संतोष नहीं है, कम से कम सोने तो दे ठीक से। लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए, मरने के बाद तो वैसे हमेशा के लिए सो जाएंगे। लगता है तू ही मार डालेगा। अच्छा ये बता, ये दो गांव को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो वीर और केशव जब तक एक नहीं होंगे ना, गांव एक नहीं होगा। मेरे ससुर जी बहुत मूर्ख हैं, बात नहीं सुनेंगे। और किसे मिला सकते हैं? बिरयानी खाएगा? कहां पर? बिरयानी के नाम पर हमेशा हलाल करने के लिए सोचता है, इन्हें पता चल गया कि मैं तमिल हूं तो काट डालेंगे। अरे इसलिए तो ये टी-शर्ट पहना है तुझे। अरे बाप रे। बेटा तुम्हारे आने से घर में रोशनी आ गई, आ जाओ। ये कौन? मेरा फ्रेंड है अंकल। भाई मुझे तो ये उस पार्टी का लगता है। टी-शर्ट नहीं देख रहे किसकी तस्वीर छपी है? आंखें चली जाएंगी शक करने से। आ जाओ आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अच्छा खाना बिल्कुल गर्म है, शर्माना मत, पेट भर के खाना। अंकल। बेटी कार्तिका। हाँ पापा। अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है, आना। केशव अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं।
आपने अपनी बेटी का नाम कार्तिका ही क्यों रखा? उस वीरा मुथु ने अपनी बेटी का नाम कार्तिका रखा इसलिए। क्या सिर्फ उसी की बेटी सौभाग्यवती है? मेरी नहीं, सिर्फ ये नाम वही रख सकता है। मैं नहीं रख सकता क्या? इसीलिए रखा, दिखा दिया कि कार्तिका नाम मैं भी रख सकता हूँ। खाना खाओ। अब इस घर में एक बेटे की जो कमी है, जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए है, मैं ऐसा दामाद तुम में देख रहा हूं। क्या तुम मेरी कार्तिका से शादी करोगे? सर, मैं वीरामुत्तु की बेटी से प्यार करता हूं। डालो इसे! मैं यहां तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूं और तू दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है। आपकी बेटी से शादी करके क्या मिलेगा? आपकी बेटी को पति और आपको दामाद मिलेगा बस। और वही अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा? करेगा तो? अगर करूंगा तो उस घर का दामाद बनूंगा। मतलब वो क्या तेरे पांव धोएगा? यानी वो हमारे सामने सिर झुकाएगा? ये हुई ना बात, इसे प्लान कहते हैं। Excuse me. ये बता, वो लड़की तुझसे प्यार करती है क्या? जान दे देगी सर, हमारी शादी के लिए आपकी हेल्प चाहिए। बेटे, अब तू इस विषय को छोड़ दे। तेरी शादी पूरे गांव वालों को पता चलेगी। वीरा मुथु तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी मैं धूमधाम से करूंगा।